अभी तक पापा आए नहीं और मुझे भूख बहुत जोर से लगी। अम्मी खाना की व्यवस्था करिए, अम्मी खाना खाना चाहता हूँ। अम्मी सुबह जब से तुहार पापा गए न फोन कहन न कुछ भेजन भैया, घरे में एक दाना ना आने तो का खियाई लाल। एक काम करा भैया ले रहा जाते हम गांव में, क्यों किया कुछ मांग के ले आओ, जब तक न आओ तब तक लड़के छोड़ के कहूँ जाया जिन। ठीक है अम्मी। जाइए अम्मी आप। क्या बताऊं, अभी तक हमारे पापा गए कोई फोन नहीं आया और मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है। ये सामने जो बस्ती दिखाई दे रही है इसी बस्ती में चलता हूँ, खाना मांग के खा लेता हूँ, तब उसके बाद घर आ जाऊंगा। बोलो सा बदली निके फूलो सा बदली निके काटे हैं जुबानों में, फूलो सा छोड़ दें। हम ही सुने जाए छोटू खिया रहा था बगल झोपड़ी बनाए के कोनो हाल समाचार नहीं मिलते बा। अब हम चलते ही देखाई आइयो सुने सुनेवा चला गया है कौशाम्बी शहर कमाई। अब तक घर में केवल दोनों लड़कियां हुई वे फुलकलिया हुए, चली देखी ना का खात पे था कैसे रहा था। चली हूँ उथल पुथल मचाई तबियत मजा आए ना का मजा आए, चल के देखी पहले तब। क्या मासूम मुन्ना इसी झोपड़ी में पड़ा है, लेकिन ना ही नाती शुभम का पता है ना ही बहू फूल कली का कोई पता है। मौका अच्छा है फूल कली का छोटा सा मासूम मुन्ना है, आज इसी मौके का फायदा मैं उठाऊंगी, इसको दुनिया से मिटा दूंगी, उसके बाद खेल में तो मजा अब आएगा। Thank you.
मासूम मुन्ना तो गया, मासूम मुन्ना गया, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इसी वक्त सबसे पहले कौशाम्बी फोन लगाऊंगी सुनीलवा के पास, उसके बाद क्या होगा बताती हूँ। हेलो हेलो कौन? अरे कहाँ पे फोन लगा हुआ है? एक तो कौशाम्बी से फोन लगा हुआ है। कौशाम्बी? हाँ। अरे सुनील बोल रहे बेटा? हाँ मैं तो सुनील कुमार बोल रहा हूँ, तुम कौन हो? अरे मैं तुम्हारे गांव कल्याणपुर से ही बोल रही हूँ। कल्याणपुर से? हाँ हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? अरे मैं सुरेंद्र सिंह की औरत बोल रही हूँ उषा। ओ चाची प्रणाम। अरे खुश रहो बेटा। क्या हाल चाल है गांव का चाची? गांव का हाल समाचार तो सब ठीक है बेटा। ठीक ही चाहिए चाची। लेकिन तुम्हारे घर का हाल समाचार ठीक नहीं है। ये क्या कह रही हूँ कि हमारे घर का समाचार गड़बड़ है? हाँ बेटा। क्या हुआ चाची जल्दी बता। आज सुबह जब मैं उठी सो करके, क्या हुआ? अपने छत पे गई। छत पे जाने के बाद क्या देखी? क्या देखी चाची? तुम्हारे दरवाजे बहुत भीड़ भाड़ थी, काफी लोग वहाँ पे इकट्ठा थे। भीड़भाड़? हाँ। कैसी भीड़भाड़ चाची? ये भी मैं नहीं समझ पाई बेटा। उसके बाद मैं तुम्हारे घर गई। जब तुम्हारे घर गई, वहाँ जाने के बाद क्या देखी बेटा? क्या देखी चाची? तुम्हारी औरत फूल कली। हाँ। तुम्हारे जो छोटा वाला मुन्ना है, हाँ, मासूम मुन्ना को जान से मार डाली। चाची हमारी फुलकली मेरे मासूम बच्चे का कभी खून नहीं कर सकती चाची, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं खून हो गया है बेटा। अब क्या कर रही है? मेरी बातों पर विश्वास कर बेटा सुनील। अगर तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तू तत्काल कौशाम्बी साहब से गाड़ी पकड़ अपने घर आ जा। ठीक है चाची, तुम फोन रखो, इसी वक्त मैं गाड़ी पकड़ता हूँ और तत्काल अपने घर को आता हूँ। ठीक है बेटा आ जा। प्रणाम चाची। खुश रहो, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी, इसी वक्त थाने में फोन लगाऊंगी। थाने से पुलिस वाले भी आ जाएंगे, जब पुलिस वाले आ जाएंगे उधर से सुनीलवा आ जाएगा, खेल में तो मजा अब आएगा। हेलो। हेलो कौन? अरे मैं कल्याणपुर गांव से बोल रही हूँ। कल्याणपुर से बोल रही है? कौन बोल रही हो? अरे मैं सुरेंद्र सिंह की पत्नी बोल रही हूँ, उषा सिंह। उषा सिंह? क्या बात है उषा सिंह? अरे बहुत गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? आप चले आइए सुनील के घर। सुनील के घर क्या करने आए? कोई दावत होत है क्या? अरे दावत निमंत्रण नहीं, आप आइए वहाँ पर, उनकी जो औरत है फूल कली, हाँ, वो अपने मासूम मुन्ना को जान से मार डाली है। तुम क्या कह रही हो? अरे मैं अपने बच्चे को मार डाली? हाँ साहब। ठीक है ठीक है, तुम फोन रखो, इसी वक्त अपने पूरे फोर्स के साथ सुनील के घर पहुंचता हूँ। आप जल्दी आइए साहब, नहीं तो बच्चे की लाश गायब हो जाएगी साहब। आप तत्काल आइए। अरे फोन रखो, मैं तत्काल आ रहा हूँ। एक बात याद रखना, आने के बाद तुम वहाँ मुलाकात जरूर करना। अरे आप आओ, हम आपके हाईवे पे मिले, जल्दी आवा। कोई बात नहीं। नमस्ते। अब लेता हूँ। नमस्ते। अब मैं चल रही हूँ, बगल से सब कुछ देखती रहूंगी, क्या होगा इस घर में, क्या होने वाला है। अब आप लोग तसल्ली से बैठिए और खेल में तो मजा। शुभम, ओ शुभम, ये लड़का कहाँ चला गया? मुन्ना, हे भगवान, ये मेरे मासूम बच्चे को किसने मार डाला? अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी? क्या बताऊं साथी, मेरे पास अचानक फोन गया कि तुम्हारे बच्चे का खून हो गया है
और तुम्हारे बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं तुम्हारी पत्नी है। मैं कैसे मालूम यार, मालिक लग रहा है ऐसा मेरे घर में हो, भरा फूल के लिए बच्चे को क्यों मारेगी। खैर कोई बात नहीं, घर आ गया हूँ, बच्चे को बुलाता हूँ। शुभम कुमार, ए शुभम छोटू, फूल के लिए बच्चे को दूध पिला रही है, इसका मतलब ये कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। ये औरत फिर क्यों फोन लगाई, कौन हो सकती है औरत। खैर सुनो इन बातों को, हमारा बच्चा तो ठीक है ना। अरे फूलकली, अरे देखो भाई कौन है। हाँ कैसी हो फूलकली। मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक हो। ठीक है। हाँ हो। अचानक से आ गए, ना कोई फोन ना चिट्ठी ना संदेश। क्यों, मेरा आना तुमको अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बादल, बच्चे की याद आई और चलाया, मान लो तुम्हारी याद आई हो तो कैसा है बेटा? बेटा ठीक है। हाँ तो मैं देख रहा हूँ कि तुम बच्चे को सुला रही हो, ठीक ठाक है। दूध पी के अभी भी सोया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लाओ देखे इसे, कैसा है मेरा बेटा, लाओ। नहीं नहीं। क्यों? अभी मैं इसे आपको नहीं दे सकती। आखिर क्या हुआ इसमें ऐसी बात? अभी अभी सोया है, आप चल के पानी दाना कर लीजिए, उसके बाद मुन्नी को देख लीजिएगा। अरे भाई आया हूँ तो तुरंत थोड़ी चले जाऊंगा, पानी दाना करूंगा, रात भर रहूंगा, दो चार रात रह के तब जाऊंगा ना, पहले बच्चे को तो लाओ इसे देखो, बस लाओ। अरे भाई हम जिसके लिए आए हैं उसको उस बच्चे का तो गला काट दिया गया। कैसे मरा हमारा बच्चा? मेरा मुन्ना इस दुनिया में नहीं रहा, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मैंने पूछा ये बच्चा कैसे मरा? मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। बेटा तुम्हारा है, तुमको जानना चाहिए कि बच्चा कैसे मरा। मैं सुबह के लिए खाना लेने गांव में गई थी, जब वहां से लौटी तो मेरे मासूम बच्चे को किसी ने मार डाला था। कितना वजन बच्चा था, इसे अपने साथ नहीं ले जा पाई। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसे शुभम को देके गई थी, किसे देखना। जब मैं लौटी तो मेरा मासूम बच्चा इस दुनिया में नहीं। अरे रंडी साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तूने मेरे बच्चे को मार दिया? ऐसा न कही। क्यों न कहूं? जब ऐसा तुमने किया है तू पागल हो गई, तेरा दिमाग खराब हो गया। बिना चिट्ठी बिना संदेश घर क्यों चले? अभी बताता हूं। क्यों रे हार जाई मुझको तू इतना बता, बोल किसके बहकाने में बोल तू आ गई। मार दी मेरे बेटे को तू बेशरम, मेरे मासूम बच्चे को तू खा गई। क्या मारा बच्चे को? क्या किया था बच्चे? काके कहती कसम में। अच्छा
भगवान की कौन बेटे का मैंने नहीं है किया। तुमने नहीं किया अजय कपूर, तो किसने मारा इसे बता बता। मेरी बातों पे विश्वास हर स्वामी करो, जान बेटे की मैंने लाई। के पापा, मैं भगवान की कसम खाती हूँ, मैंने मुरली को नहीं मारा। तूने नहीं मारा बच्चे को, ये गला सा कहाँ से आया? मैं नहीं जानती। तू कुछ नहीं जानती? मैं कुछ नहीं जानती, अपने घर का नहीं है। अपने घर का गला सा तो नहीं है, मैं भी जानता हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं था, आया कहाँ से? मैं नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। चल मान लेता हूँ तूने बच्चे को नहीं मारा। मैंने नहीं मारा अपने मुन्ने को। ठीक है, खा कसम हमारी, हमारे सर में हाथ रखकर कसम खा, इस मरे हुए बच्चे की कसम खा कि वाकई में तूने बच्चे को नहीं मारा। खा कसम। क्यों निकल पड़ी? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो कसम खा हमारी। शुभम के पापा, हाँ। एक शादी शुदा औरत की जिंदगी में दो अनमोल धन होते हैं। अच्छा, जिनका कोई मोल नहीं होता। पहला तो उसका सुहाग, और सुहाग से बढ़कर उसकी औलाद। मैं अपने सुहाग और मरे हुए औलाद की कसम खाती हूँ, मैंने अपने बच्चे को नहीं। ये औरत सब कुछ कर सकती है, लेकिन मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती, क्योंकि फूल कली के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूं। इस औरत ने कभी झूठ नहीं बोला जब से हमारे साथ आई है, और मेरी कसम खा रही है। इसका मतलब इसने बच्चे को नहीं मारा, उस औरत ने गलत बात बताई है मुझे। तो कौन हो सकता है मारने वाला हमारे बच्चे को? यार मैं अभी कितना पागल हूं, बिना सोचे बिना समझे मार लिया अपने पत्नी को। फूलकली, तूने बच्चे को नहीं मारा। नहीं। रो मत, मैं समझ गया कि तूने हमारे बेटे को नहीं मारा है, इसको मारने वाला कोई और है। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा फूलकली, हमारी दुश्मनी किससे? और ये छोटा सनन्ना सा बच्चा, इसने क्या किसी का बिगाड़ा है? हा? सुना, भागा भागा आया, देखा बच्चे का गला कटा हुआ है, पागल हो गया, जानवरों जैसा अपनी औरत को मारना शुरू कर दिया। इसी वजह से इंसान पढ़ाई लिखाई करते, वाकई में यार मैं बिल्कुल जाहिल आदमी हूं। नहीं, नहीं, मैं गलत हूं, ये औरत ठीक कह रही है, इसने मेरे बच्चे को नहीं मारा। फूलकली यार, मैं आवेश में आकर बहुत बड़ा गलत काम कर गया, बच्चे की तरफ देखा नहीं जा रहा था ना। फूलकली देखो, जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, हमारे घर में आई हो, आज तक मैंने तुम्हें कभी डांटा नहीं था। फूलकली, पहली बार हमसे गलती हुई है, वो भी हमारे बच्चे की वजह से। बेटी की वजह से मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। फूलकली, मैं गलत हूँ, इन्हीं हाथों से मारा था ना मैंने तुम। जिन हाथों से मारा था उन्हीं हाथों को जोड़कर मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे फूलकली सब आपके पापा, हाँ।
आप मुझसे माफी मांग के मुझे नरक में डाले। मैं गलत हूँ और अगर इंसान से गलती हो तो उसको माफी मांगना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी पत्नी हो तो पाँव की जूती हो, जो चाहे इंसान करे। नहीं नहीं, हमको माफ कर दो फुलकली, तुम मेरे पास हो। नहीं, चुप हो जाओ। वास्तव में हमारा बेटा मर गया, हमें भी बहुत दुख है। अब मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि बेटा वापस नहीं आएगा फूलगली। रोने से कुछ नहीं होगा। एक काम करो, बच्चे को तुम पकड़ो, मैं कुछ आगे के बारे में सोचता हूँ। रुक जाओ मिनट, रुको।